हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुकृति'स क्रेविंग एंड क्राफ्टिंग। आज हम छेने का रसगुल्ला बनाने जा रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत बना है और बहुत ही जूसी है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं इसमें कितना जूस भरा हुआ है और कितना स्पॉन्जी है ये। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ाया है और उसमें 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क डाला है। दूध को हमें उबालना है, लेकिन बीच बीच में चलाते भी रहना है ताकि दूध पेंदी में लगे ना। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क है, गाय या भैंस का, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। उससे छेने बहुत ही टेस्टी बनेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद हम दूध को कर्डल करेंगे, यानी कि दूध को फाड़ेंगे। इसके लिए मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया है। मैंने एक बॉल में 3 टेबल स्पून विनेगर और 6 टेबल स्पून वाटर का लिया है और इससे विनेगर को डाइल्यूट कर लिया है। इस सॉल्यूशन को हम धीरे धीरे इसमें डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा दूध फट ना जाए। आप चाहें तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और हम विनेगर का सीधा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हमेशा वाटर में मिलाकर ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट विनेगर इस्तेमाल करेंगे तो छेना बहुत टाइट हो जाएगा। दूध थोड़ा थोड़ा कर्डल होना शुरू हो गया है, ये देखिए अब ये अच्छे से फट चुका है। अब हम एक पैन में अपना स्ट्रेनर लेंगे बड़ा वाला और उसके ऊपर मसलिन क्लॉथ यानी कि मलमल का कपड़ा लगा देंगे और उसमें ये छान लेंगे अपने छेने को हम। इसको छानने के बाद हम इसे रनिंग वाटर में बहुत अच्छे तरीके से धुल लेंगे ताकि जो विनेगर का खट्टापन है वो बाहर निकल जाए। साथ साथ अब हम इसे किसी बड़े भारी सामान से दबा कर रखेंगे या फिर इसे लटका देंगे। ये देखिए 1 घंटे बाद मैंने इसे लटका के रखा था, 1 घंटे बाद ये एकदम से ड्राई हो चुका है, इसके अंदर पानी नहीं बचा है। अब इसे हमें अच्छे से गूंदना होगा। गूंदने के लिए हम अपनी हथेली के सबसे निचले हिस्से का इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसको मलने में कम से कम 7-8 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें इसे इतना चिकना करना है ताकि जब हम इसकी गोलियाँ बनाएँ तो उसमें कोई भी क्रैक्स ना रहें। आप किसी चौड़े बर्तन का इस्तेमाल करें, जैसे चॉपिंग बोर्ड मैंने लिया हुआ है, आप चाहें तो एक बड़ी सी परात भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। हाथों को घी से थोड़ा सा ग्रीस करके अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। आप इसका साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि ये चाशनी में जाने के बाद जस्ट डबल हो जाता है। चाशनी के लिए मैंने 2 कप चीनी में 4 कप पानी मिलाया है और उसको गैस पर रख दिया है। साथ में मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर डाला है। केसर की वजह से इसका कलर कितना अच्छा आया है आप देख सकते हैं। जब इसमें उबाल आ जाए चाशनी में तो हमने जो अपनी गोलियाँ बनाई थी छेने की, उसको इसमें डाल देना है। इसे हम 15 मिनट तक के लिए, मतलब 12 से 15 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पे पकने देंगे। देखिए छेने हमारे जस्ट डबल साइज़ में हो गए हैं। अब इसे हम गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी हैं हमारे रसगुल्ले, एकदम सर्व करने के लिए परफेक्टली तैयार हैं। आप इसे केसर से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।